गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था गोली कोश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव। आज हम डिस्कस करेंगे चालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव। चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए, चालक गोले पर मैंने बताया था आपको कि जब उसको आवेश दिया जाता है तो वो आवेश केवल उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है ताकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाए। मतलब इसको दिया गया अतिरिक्त आवेश केवल इसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है, अंदर इसके कोई आवेश नहीं होता। मतलब चालक गोला है वो एक गोली कोश की तरह बिहेव करता है। तो चालक के गोला के कारण है विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही प्राप्त होती है जो हमें गोली कोश के कारण होती है। अतः चालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान वही प्राप्त होगा जो हमें गोली कोश के कारण प्राप्त हुआ था। तो हम उसको लिख देंगे वी आउट। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको करने की आवश्यकता यहाँ है नहीं। सेम वही होगा, बस गोली कोश को हमें चालक गोले से रिप्लेस कर देना है। ये आउट के लिए बताया था मैंने आपको। और वी सरफेस क्यू अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और वी इन, वी इन होता है वो वी सरफेस के भी इक्वल होता है और वो भी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। और अगर हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ भी वैसे प्राप्त होगा हमें वी आर ये आर। तो आप देखोगे सेंटर से सरफेस तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और ये वैल्यू रहेगी वो वी एस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और आउटसाइड आप देखोगे तो ये स्मॉल आर के विद कर्मानुपाती होगा। तो वी आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। ठीक है, तो ग्राफ भी वैसे प्राप्त होगा जो हमें गोली कोश के कारण प्राप्त हुआ था। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है अचालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव। देखिए डायग्राम में आपको कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला दिखाया गया है जिस पर आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है। इस अचालक गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। या बिंदु पी की तीन स्थितियां हो सकती हैं, गोले के बाहर, पृष्ठ पर और इसके अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं जब बिंदु पी अचालक गोले के बाहर स्थित हो, उस कंडीशन में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और विद्युत विभव की परिभाषा से मैंने आपको बताया था विद्युत विभव की परिभाषा से V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ए डॉट ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो E इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर के बाहर के लिए। ठीक है, तो अतः अपने पास आ जाएगा वी आउट माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। ओके, आर कैप और डी आर ये आपको मैंने बताया था कि आर कैप और डी आर
इस सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो डी आर। तो अपने पास इसलिए अपने पास आ जाएगा वी आउट इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार आ जाएगा, और इधर इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, और ये आ जाएगा माइनस टू डी आर। आर की पावर पड़ जाएगी तो माइनस की, और आर केप डॉट डी आर हो गया डी आर। तो प्रॉब्लम अब इसको हम करेंगे आगे माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आगे तो माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट स्मॉल आर और इन्फिनिटी। ये माइनस वन बचेगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर की पावर माइनस वन नीचे आएगी तो प्लस की वन आर, और ये इन्फिनिटी। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी आपको पता ही है जीरो होता है, तो ये आ जाएगा वी आउट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई थी और ये इक्वेशन सेकंड। तो इस इक्वेशन से आप देखते हो अपने क्लियर हो गया है वी आउट कि बाहर है विद्युत विभव का मान है वो दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, और आउट की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब देखिए सेकंड केस देखो, जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, अब पृष्ठ पर होगा तो उस कंडीशन में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इक्वेशन टू में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखने पर हम प्राप्त करेंगे वी एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये आ जाएगा अपना, ये आउट आ गया था, और ये अपना आ जाएगा सरफेस, इक्वेशन नंबर था, ओके। अब नेक्स्ट केस देखिए, जब बिंदु पी गोले के अंदर स्थित होगा, देखो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर। तो विद्युत विभव की परिभाषा बताई थी मैंने आपको, विद्युत विभव की परिभाषा से V इक्वल टू बताया था माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर, इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य करना होगा, और वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाएगा। तो आप देखो पहले अनंत जाएंगे उसके सरफेस पर, फिर उसके सरफेस से उसके अंदर। तो आप देख रहे हो सरफेस से अनंत से सरफेस तक आएंगे तो विद्युत क्षेत्र रहेगा आउटसाइड वो तक क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर केयर, इसमें स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। जबकि अंदर आप देखते हो कि अचालक गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ ऊपर आ जाएगा स्मॉल आर और आर के, ये है अंदर के लिए। तो आप देख रहे हो विद्युत क्षेत्र की दूरी आर पर निर्भरता है वो एक समान नहीं है, गोले के बाहर आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती जबकि अंदर स्मॉल आर के समानुपाती। इसलिए इक्वेशन 4 में समाकलन को हम दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, इक्वेशन में 4 में समाकलन को दो भागों में विभक्त
किया जा सकता है। और वो भाग कौन कौन से होंगे वो देखो आप। पहला है इसमें अनंत से कैपिटल आर, अनंत से उसके सरफेस तक, फिर सरफेस से बिंदु पी तक, बिंदु पी की दूरी है वो केंद्र से स्मॉल आर है, ठीक है। अतः इक्वेशन ने फोर को हम इस तरह से लिख सकते हैं v इन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर और e आउट डॉट डी आर, फिर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर और यह आ जाएगा ई इन डॉट डी आर, क्लियर। अब ई आउट जो आएगा वो अपना इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ई आउट आएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर के डॉट डी आर, फिर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा क्यू आर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और आर के डॉट डी आर, ओके। और ये बताया था मैंने आपको कि आर के डॉट डी आर ये जो होता है वो डी आर इक्वल होता है। इसको हम पुट कर देंगे तो यहाँ से V in माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन को बाहर ले लिया, ऊपर ले जाएंगे इन्फिनिटी टू कैपिटल R माइनस टू डी आर, फिर इधर आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा कैपिटल R क्यू और ये कैपिटल R टू स्मॉल आर और ये आर डी आर, ओके। तो वी इन माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा आर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन ये आर, क्लियर। फिर यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू और ये आर कैपिटल आर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो वी इन इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा अपने पास वन अपॉन आर और कैपिटल आर या माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। तो प्रॉब्लम तो वी इन इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। फिर माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस अपॉन टू, ओके। तो यह आ जाएगा वी इन इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यह आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू आर की क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर इसको यूँ भी कर लेंगे वी इन इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे तो यहाँ जाएगा वन अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू। तो टू आर क्यूब से इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर आ जाएगा अपने पास टू आर क्यूब
आर स्क्वायर, सॉरी टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू आर वी इन इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा अपने पास थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। ओके क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगी अपनी फाइव। अब देखिए गोले के केंद्र के लिए स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, तो वी सेंटर अपना आ जाएगा वो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर थ्री आर स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टू आर क्यू। ओके तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी सेंटर अपने पास आ जाएगा थ्री बाई टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, थ्री बाई टू यहाँ ले लिया क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये बन जाएगा 1.5, और ये जो होता है वो सेंटर का वी एस। इक्वेशन सिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान उसके सतह पर विभव का 1.5 गुना होता है। ओके देखिए अब तक हमने डिस्कस किया था, उससे स्पष्ट है कि सेंटर पर जो व्यू होता है वो 3/2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर 1.5 वीएस, मतलब सतह का 1.5 गुना होता है, और जबकि अंदर होता है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³, और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और सरफेस पर होता है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और आउट होता है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इसका मतलब सेंटर पर मैक्सिमम होता है और सेंटर से सरफेस तक ये परवलय के रूप में घटता है, और फिर सतह पर बाद में ये बाहर की तरफ है वो दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये अति परवलय की फॉर्म में घटता है और अनंत पर जाके इसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, ये था अपना टॉपिक एचालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव। थैंक यू।